और अगली खबर सतना से, जहां 7 माह से जला ट्रांसफॉर्मर बदलने को लेकर ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर बताया कि महोदय जी, हमारे पास कई बार बिजली विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन आज तक नहीं बदला गया हमारा बिजली ट्रांसफॉर्मर। लाइनमैन के मनमानी के कारण पूरा ग्रामीण क्षेत्र अंधकार में है। जो 7 माह से जला हुआ है, वह ग्राम पंचायत भवन के पास 25 KV का SC ST के लोग रह रहे हैं, जो जिनका भुगतान भी चुकता है और मोटर कनेक्शन का सरकार पैसा देती है, लेकिन बिजली विभाग को इस बात का कोई डर नहीं है कि गरीब जनता है। और दूसरा ट्रांसफॉर्मर के सहारे पूरा ग्रामीण जनता अपनी बिजली जला रही थी, लेकिन 10 दिन पहले ये भी जल गया। इतनी भीषण गर्मी में 10 दिनों से सभी लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ग्रामीण जनता के द्वारा ये कहा गया कि अभी प्याज की फसल लगी हुई है, अगर इसकी सिंचाई नहीं हुई तो पूरी फसल सूखने के कगार पर आ जाएगी। हमारे द्वारा लगातार CM हेल्पलाइन में भी कंप्लेन की जा रही है, तो विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि कुछ लोगों का बिल बकाया है, इस कारण से ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला जा रहा है, लेकिन जो जमा किए हुए हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है लगातार, इसका कारण अज्ञात है। यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहा है कि बिना मौत के ग्रामीणों को क्यों मारा जा रहा है। ग्रामीण जनता ने ये भी कहा है कि अगर 2 दिनों के अंदर ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला गया तो वे लोग मजबूर होकर रामपुर से अमरपाटन मुख्य मार्ग 16 तारीख को सुबह 10 बजे ईटमा कॉलोनी के पास पूरे ग्रामीण जनता के साथ एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन में चक्का जाम करेंगे। बिजली विभाग से कहा है कि बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, साग सब्जी और पकी हुई फसल भी नहीं उनकी निकल पा रही है। भीषण गर्मी में लोग बिना पंखे के रह रहे हैं, यहाँ मच्छरों का तांडव देखा जा रहा है। बीमारी जैसे मलेरिया डेंगू का डर लगातार बना हुआ है। जनता ने 2 दिनों के अंदर जले हुए ट्रांसफॉर्मर को बदलने के लिए ज्ञापन सौंपा। नायब तहसीलदार अरुण यादव ने ज्ञापन लेकर समस्या सुनी और जल्दी बदलने को लेकर आश्वासन दिया, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण अशोक पांडे, वीरबान पटेल, शिवेंद्र सतनामी, विपिन पटेल, शिवकांत पटेल, मुकेंद्र पटेल, प्रदीप पटेल, अजय पटेल, महेंद्र पटेल, अंकुर सिंह, अजय साकेत, गंगादीन पटेल और कई लोग उपस्थित रहे। नंदकिशोर सिंह नंदू की रिपोर्ट। कुछ नहीं, बस परसों लग जाएगा, कल लग जाएगा। कितने दिनों से ऐसी स्थिति बनी हुई? 10 दिन से लगातार यही है। अभी तक तो एक ट्रांसफार्मर की रिपोर्ट तक लाइनमैन के द्वारा नहीं। आप लोगों ने अभी ज्ञापन सौंपा, उसमें कुछ आश्वासन मिला? SDM साहब के द्वारा आश्वासन मिला कि हम तत्काल कार्रवाई की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। आपका शुभ नाम क्या है और किस गांव से आए हुए हैं? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सतनामी है और मैं ग्राम पंचायत इटमा कोठार का निवासी हूँ। यहाँ पर किन समस्याओं के लिए कराना हुआ आपको? समस्या है कि हमारे गांव में विद्युत की बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्या है, लगभग फसल सूख रही है, फसल जो कट चुके हैं उसको हम गाय भी नहीं सकते हैं। शासन प्रशासन से इस चीज़ को हम लोग अवगत करा चुके हैं, जे साहब को बता चुके हैं, लाइनमैन को भी और SDM साहब को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। अगर हमारी मांगे 3 दिनों में पूरी नहीं होती तो हम चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपकी मांगे क्या हैं? मेरी मांग है कि तत्काल मेरा ट्रांसफार्मर बदला जाए और जिससे किसानों को आराम हो, मौसम के चलते ज़्यादा देर नहीं किया जा सकता। अगर हमारे शासन प्रशासन की यही मांगे कि अगर नहीं पूरा हो तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जवाबदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी। क्या बोले हैं वो? बोले हैं कि मतलब मंडे तक मिलेंगे। हम लोगों को बताइए कितनी बार बोल चुके हैं कि लग जाएगा? तो कई बार पूरे आश्वासन देते हैं, अपना बोल ही नहीं रहना।